हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अनदर मैथमेटिक्स पजल वीडियो। चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 71 + 5 जिसका सम आपके पास इक्वल दिया गया है 51 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 85 + 6 जिसका सम आपके पास इक्वल दिया गया है 55 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 92 + 8 जिसका सम आपके पास इक्वल दिया गया है 36 के इक्वल दिया गया है। और लास्ट में आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 85 + 9 किस चीज़ के इक्वल होगा, ये आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फाइंड करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे देता हूँ। अगर आप इन 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल देते हैं तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 71 + 5 जिसका सम आपके इक्वल होगा 76 के इक्वल होगा, और आपको यहां पे इक्वल दिया गया है 51 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 85 + 6 जिसका सम आपके इक्वल होगा 91 के इक्वल होगा, और आपको यहाँ पे इक्वल दिया गया है 55 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 92 + 8 जिसका सम आपका इक्वल होगा 100 के इक्वल होगा, और आपको यहाँ पे इक्वल दिया गया है 36 के इक्वल दिया गया है। और आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 85 + 9 जिसका सम आपका इक्वल होगा 94 के इक्वल होगा, और आपको यहीं पर बताना है कि क्वेश्चन मार्क्स किस गए, यहाँ पर आपका कौन सा नंबर आएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिंपली आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लेना है इन दोनों नंबर का सम, यानी आपको प्लस करना है 71 + 5 जिसका सम आपके इक्वल होगा 76 के इक्वल होगा। और उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लेना है सेकेंड नंबर को जो कि आपके पास है 5, और उसी 5 का लेना है आपको स्क्वायर, 5 का स्क्वायर जो कि आपके इक्वल होगा 25 के इक्वल होगा। और लास्ट वाले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको करना है माइनस 76 - 25 जिसका सम आपके पास इक्वल होगा 51 के इक्वल होगा, और 51 आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इसी तरह नेक्स्ट में भी आपका सेम फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लेना है इन दोनों नंबर का सम, यानी आपको प्लस करना है 85 + 6 जिसका सम आपके पास इक्वल होगा 91 के इक्वल होगा। और उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लेना है सेकंड नंबर को जो कि आपके पास है 6, और उसी 6 का लेना है आपको स्क्वायर, 6 का स्क्वायर जो कि आपका इक्वल होगा 36 के इक्वल होगा। और लास्ट वाले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको करना है 91 - 36 जो कि आपके इक्वल होगा 55 के इक्वल होगा, और 55 आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इसी तरह नेक्स्ट में भी आपके पास सेम फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लेना है इन दोनों नंबर का सम, यानी कि आपको सम लेना है 92 + 8 जिसका सम आपका इक्वल होगा 100 के इक्वल होगा। और उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लेना है सेकेंड नंबर को जो कि आपके पास है 8, और उसी 8 का लेना है आपको स्क्वायर, 8 का स्क्वायर जो कि आपके इक्वल होगा 64 के इक्वल होगा। और लास्ट वाले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको करना है माइनस 100 - 64 जो कि आपका इक्वल होगा 36 के इक्वल होगा, जो कि आपको अपने स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इसी तरह लास्ट में भी आपका सेम फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लेना है इन दोनों नंबर का सम, यानी कि आपको सम लेना है 85 + 9 का सम जो कि आपका इक्वल होगा 94 के इक्वल होगा। और उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लेना है सेकेंड नंबर को जो कि आपके पास 9, और उसी 9 का लेना है आपको स्क्वायर, 9 का स्क्वायर जो कि आपका इक्वल होगा 81 के इक्वल होगा। और लास्ट वाले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको करना है माइनस 94 - 81 जो कि आपका इक्वल होगा 13 के इक्वल होगा, यानी कि जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे हैं वहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 13 आएगा। अगर आपने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो फाइंड इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।